माय चैनल अर्चन बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग मैंने देख ली जिगरा आलिया भट्ट की। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फिल्म ना काफी अलग है बाकी फिल्मों से, ट्रेलर से ही लग रहा था, बट मैं होप कर रहा था कि थोड़ी बहुत फैमिली एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी जाएगी, मतलब थोड़ा बहुत जोक चीजें नहीं। ये फिल्म सीरियस टोन पे शुरुआत से चलती है। हम बात करते हैं पहले आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट ने इस फिल्म के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। जस्ट ने होता है ना कि शुरुआत से लेकर स्टार्ट तक कैरेक्टर पकड़ा तो छोड़ने का ही नहीं। जस्ट लाइक फील लाइक दैट वे आलिया भट्ट इस फिल्म के अंदर शुरुआत से स्टार्टिंग से ही वो अपने भाई के लिए काफी प्रोटेक्टिव है। उसे कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, मैं उसके साथ खड़ी हूँ, आई एम प्रोटेक्टिव हर, वो सारी चीजें। और वो शुरुआत से छोटे से ही होते 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 बड़े होने तक इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी कोई लिमिट नहीं रह जाती। आलिया भट्ट लिटरली जेल के अंदर घुस के उसके भाई को जेल से निकाल देती है, वो सारी चीजें तो काफी अच्छी लगती है। काफी ज्यादा एक्शन वाले सीन्स है जो ऊपर जाते नीचे जाते लाइक रोलर कोस्टर राइड की तरह, मुझे काफी सही लग रहा था चीजों को देखने में। एंड स्पेशली आलिया भट्ट का कैरेक्टर था, वो इतना डीप घुस गया था इस कैरेक्टर और स्टोरी के अंदर कि वो बिल्कुल लग नहीं रहा था कि वो अलग है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने पहले जो फिल्म बनाई थी वो थी मर्द को कभी दर्द नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो फिल्म देखी नहीं, बट आई विल से उनका काम काफी अच्छा है। काफी ज्यादा इंस्पिरेशन उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों से लिए इस फिल्म के लिए, एंड वो काफी अच्छा और काफी दिखता भी है कि आई विल से कि इस तरह की फिल्में अगर और बनेगी तो ऑडियंस का भी देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि अभी इंडिया में इतनी ऑडियंस है नहीं इस तरह की फिल्में देखे। तो अगर इस तरह की फिल्में और बनेगी तभी जाके ऑडियंस ये फिल्में देखने आएंगी। मुझे काफी पसंद आई जिगरा फिल्म, ऑनेस्टली मैं सब बोल रहा हूँ। ज्यादा सॉन्ग्स नहीं है, बट जब भी इसका सिमिलर टोन बजता है हर बार तो देखने में काफी अच्छा। आई विल से एक बार तो देखने के लिए है जिगरा, काफी अच्छी फिल्म, आपको काफी सीखने को मिलेगा फिल्म के बारे में इस फिल्म के अंदर से। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय और जय हिंद।